आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना जिले के रामनगर कस्बे में संचालित इंडियन बैंक की ब्रांच में चोरी का प्रयास हुआ है। आपको बता दें कि चोर ने बैंक के अंदर घुसकर रैकी की है और फिर कैश चेस्ट एवं एटीएम मशीन काट कर नकदी उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया है। हासिल जानकारी के मुताबिक इंडियन बैंक की रामनगर ब्रांच में चोरी की कोशिश के दौरान पुलिस ने धीरज पटेल उर्फ धीरू पिता जुगल प्रसाद पटेल 19 साल निवासी ग्राम कर्रा रामनगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से बैंक से चुराया गया कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रिक कटर मशीन जब्त की गई है। बैंक में चोरी का प्रयास कर रहे आरोपी को नाइट गश्त के दौरान सब इंस्पेक्टर बीएल रावत एवं आरक्षक संदीप तिवारी ने उस वक्त पकड़ा जब वह एटीएम काटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की नजर नाइट गश्त के दौरान उस एटीएम बूथ के कटे हुए ताले पर गई। गश्ती पार्टी जब एटीएम बूथ में पहुंची तो वहां धीरज पटेल इलेक्ट्रिक कटर से एटीएम मशीन काटते हुए मिला। पुलिस उसे पकड़कर थाना ले आई जहां उससे पूछताछ की गई। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले तो उसमें नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए। एटीएम काटने की कोशिश करते पकड़ा गया धीरज बैंक के कैश चेस्ट को भी कटर से काटने की कोशिश करते नजर आ रहा है। एसडीओपी मैहर राजीव पाठक ने बताया है कि आरोपी धीरू उर्फ धीरज पटेल शुक्रवार की रात इंडियन बैंक की रामनगर ब्रांच में घुसा था। उसने वहां लगभग 2 घंटे तक रहकर रैकी की और कंप्यूटर सिस्टम चुराकर उस रात वहां से निकल गया था, जिसके बाद शनिवार को वह फिर बैंक में घुसा और कैश चेस्ट को काटने लगा। उसे उसमें कामयाबी नहीं मिली तो वह एटीएम मशीन काटकर उसमें रखा कैश उड़ाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच गश्ती पार्टी वहां पहुंच गई और धीरू पटेल को पकड़कर थाना ले आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने पुलिस को बताया है कि वह शुक्रवार की रात ग्रिल काटकर घुसा था और 2 घंटे तक बैंक के अंदर रहा था। एसडीओपी ने बताया कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए हैं तो उसमें आरोपी चेस्ट काटने की कोशिश करते नजर आया है। उसने बैंक का अलार्म सिस्टम भी नाकाम कर दिया था। इतना ही नहीं, सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम करने पर रामनगर टीआई संतोष तिवारी, सब इंस्पेक्टर बीएल रावत और आरक्षक संदीप तिवारी की पीठ थपथपाई है और इनाम देने की घोषणा की है। रामनगर थाने से कुछ ही दूरी पर इलाहाबाद बैंक में गश्त के दौरान हमारे आरक्षक संदीप तिवारी और सब इंस्पेक्टर बीएल रावत ने देखा कि एटीएम के ताले जो है वो कटे हुए पड़े हैं, तो उन्होंने गश्त के दौरान इसकी चेकिंग की और तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया। थाना प्रभारी संतोष तिवारी एवं अन्य दलबल के साथ वहाँ पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने चेक किया तो एटीएम के अंदर एक लड़का घुसा हुआ है जो चोरी के लिए कटर एवं अन्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है और लगभग एटीएम को काटने की स्थिति में था। उसके पश्चात उसे वहाँ से हिरासत में लिया गया और बैंक के अंदर उसकी चेकिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें शुक्रवार की शाम से वो लगातार रेकी कर रहा था और बैंक के अंदर घुसता है। शुक्रवार की शाम को उसने पूरा बैंक देखा, खंगाला, वहाँ से अलार्म सिस्टम वगैरह बंद किया। नेक्स्ट डे वो घुसा और वहाँ से उसने मॉनिटर और सीपीयू आदि निकाले और उसको वो अपने घर ले गया। अगले दिन जब उसने चेस्ट में जो मेन जहाँ पर पैसे रखे होते हैं उसमें कटर का इस्तेमाल किया, लेकिन कटर वहाँ पर नहीं चल पाया, जिस कारण से उसने प्लान चेंज किया और एटीएम में घुसकर वारदात करने की कोशिश की। क्योंकि पुलिस लगातार गश्त में रही और उसने गश्त के दौरान इस बात को तस्दीक की और तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया है और वो हमारी हिरासत में, उससे पूछताछ चल रही है। अभी तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज और सारी चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें वह अकेले ही यह प्रयास कर रहा था। रामनगर का रहने वाला है आरोपी, कर्रा गांव का, और एसपी साहब ने इसमें इनाम की उद्घोषणा की है कि पुलिस ने अच्छी गश्त की है, इसलिए एसपी साहब ने इनाम की।